कल लखीमपुर खीरी में सभा होनी है और उसके लिए राकेश टिकैत अपने सहयोगियों के साथ लखीमपुर जा रहे हैं। टिकैत साहब, जो कल एक सभा के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से उस दिन आपको पहुंचने दिया गया था पहुंच गए थे, आज बिना रोक टोक के बिना किसी बाधा व्यवधान के आप वहाँ पहुँच रहे हैं? जिस तरह से रात से पुलिस का व्यवहार लग रहा कि लोगों को रोक रही है और उनको विपरीत दिशा में छोड़ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हो सकता है कि पुलिस रोके, ऐसा आप ही बता रहे हैं, फिर क्या रहेगा आगे की? क्योंकि मौके पे हालात, जगह, स्थिति, टाइम, उसके अनुसार काम करा जाता है। ऐसे भी टिकैत साहब रणनीति अपना डिस्क्लोज नहीं करते, और कल की सभा में क्या क्या होने वाला है? क्या कल की सभा में घोषणाएं होंगी, 18 तारीख को ट्रेन रोकने का 6 घंटे का, 26 तारीख को बड़ी मीटिंग होगी, ये और कई चीजें हैं जो वहाँ पर घोषणा होगी। उनके जो अस्थि कलश हैं वे आएंगे, मंडल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज वे जाएंगे, उनकी रणनीति पूरी बनेगी। और 24 तारीख को वे जहाँ जहाँ जिस जिले में उनको प्रवाह करते हैं या इसी स्टेट में, वहाँ प्रवाह होकर 26 तारीख की लोग तैयारी करेंगे। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अच्छा, एक बात फिर उठेगी कि किसी तरह से लखीमपुर में अभी शांति है, का माहौल है, आपको लगता है कि जब एक बार फिर आप लोगों ने आह्वान किया है कि सब लोग वहाँ इकट्ठा हो, तो एक बार फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण है। जो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वे अपने गांव में, अपने उसमें कल श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शाम को 8 बजे के आसपास मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, दिया जलाकर दे सकते हैं। नहीं होगा तो 8 बजे अंधेरे में मोबाइल की लाइट जला के 5-7-10 लोग मोबाइल की लाइट जला के उससे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। प्रभाकर मिश्रा, News24। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।